हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन देता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट वी ओवर एफ एंड वी डैश ओवर एफ आर वैक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड then a function such that like then a function t such that v over f to v dash over f is called linear transformation। मैंने यहाँ पर क्या बताया है फ्रेंड कि मेरे पास v ओवर f एंड v डैश ओवर f दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर सेम फील्ड। देखिए जो चीज़ें हैं वो पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं ओवर सेम फील्ड, फील्ड सेम होनी चाहिए यहाँ पर। आप जो यहाँ पर वेक्टर स्पेस दो ले रहे हो v ओवर f टू v डैश ओवर f, वो फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए आपकी। ओके, देन अ फंक्शन टी क्या है यहाँ पर? जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक बेसिकली एक फंक्शन है जो एक वेक्टर स्पेस के, देखिए यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस है, एक v ओवर f है एक v डैश ओवर f है, तो इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को ये इस पे मैप कर रहा है, इस दूसरे वेक्टर स्पेस पर मैप कर रहा है। दिस इज अ फंक्शन लाइक v ओवर f के एलिमेंट को v डैश ओवर f के एलिमेंट पे मैप कर रहा है ये। तो ये क्या है? एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या करता है? जो काम फंक्शन करता है वही काम यही कर रहा है, वो काम ये कर रहा है। फंक्शन क्या करता था? एक सेट ए था, एक सेट बी था, ए सेट के एलिमेंट को बी के सेट के एलिमेंट को पे मैप कर रहा था। तो यहां पर भी सेम है, बस यहां पर सेट की जगह वी ओवर एफ है। मतलब क्या है? वेक्टर स्पेस है फ्रेंड। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लाइक वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ के वेक्टर्स को वी डैश ओवर के वेक्टर्स पर मैप कर रहा है। तो ये एक फंक्शन का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक अगर मैं एक उससे बताऊं, हाँ भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊं अगर मैं, लाइक फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, कैपिटल वी यू कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यहाँ से अगर मैं कोई दो एलिमेंट पिक करूँ वेक्टर स्पेस v और f से, मैं दो वेक्टर्स पिक करूँ लाइक u एंड v, मैं यहाँ पर पिक करता हूँ, देन t ऑफ u अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल्स टू अल्फा t ऑफ u प्लस बीटा t ऑफ v, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल दिखाया कि t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल्स टू अल्फा t ऑफ u, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा? बस हमें यही चीज, अगर मैं सिंगल लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कभी भी, तो मेरे पास क्या होगा? ये क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी कई सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कैसे हम लोग बताते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। मैंने पहले क्या बताया आपको कि फील्ड सेम होनी चाहिए आपकी, ये फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक वैक्टर स्पेस के एलिमेंट को दूसरे वैक्टर स्पेस के वैक्टर पर, एक एलिमेंट पर मैप कर रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस के वेक्टर को दूसरे वेक्टर स्पेस के वेक्टर पर मैप कर रहे हैं, बस यहां पर और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, देन हम लोग मैथमेटिकल कैसे दिखाते हैं इसको? टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी। अगर आप ऐसे दिखा देते हो तो मेरे पास क्या होगा? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, और t of alpha u plus v is equals to alpha times t of u plus t of v। इसको आप ऐसे भी दिखा दो तब भी हम बोलेंगे कि ये क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रेंड। या तो फिर आप ऐसे इसको दिखा दो, इसको आप ऐसे दिखा दो, t ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन लाइक t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t ऑफ u, तो ये मेरे पास क्या होगा? लीनियर। आप इन तीनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए आप इन तीनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड। तो ये रही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, और मैंने बता दिया कि करते क्या है। बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, कुछ नहीं भाई, हम जो जान रहे हैं बस यहाँ पर वही कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक फंक्शन है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रही है, एक वेक्टर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रही है। तो वही क्या है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेंड। ओके, अब यहां पर मैंने यहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया फ्रेंड। ओके, अब मैं डेफिनेशन देता हूं लीनियर ऑपरेटर की, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बताता हूं फ्रेंड। तो यहां मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई, अब मैं बताता हूं लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन है मेरे पास लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो लीनियर ऑपरेटर की मैं यहां पर डेफिनेशन बता रहा हूं फ्रेंड। देखिए, वहां पर मैंने क्या किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहां लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है फ्रेंड, अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक लेट लेट वी ओवर एफ एफ बी अ वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस, देन देन टी सच दैट, टी सच दैट वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ is called linear operator, linear operator, linear operator। मैंने यहां पर linear operator की definition क्या बताई है, v over f मेरे पास कोई vector space हो, v over f मेरे पास कोई vector space हो, then t such that v over f to v over f, मतलब क्या है, एक vector को मैं उसी vector space, like दो vector space लिए, वो दोनों same vector space लिए। यहां पर linear operator में हम क्या कर रहे हैं, दो vector space लिए, दोनों same लिए। कहना क्या, कहने का मतलब क्या है कि इस vector space के vector को अपने ही किसी member के साथ map कराना है मुझे, अपने ही किसी मेंबर के साथ, अपने ही किसी वेक्टर के साथ मैप कराना है मुझे। तो यहां v डैश ओवर f नहीं है, वहां दोनों वेक्टर स्पेस अलग अलग थे, यहां पर क्या है, सेम है वेक्टर स्पेस, दोनों क्या है, सेम है, डोमेन कोडोमेन सेम है। यहां भी वही लॉजिक है, डोमेन कोडोमेन, ये भी डोमेन, ये कोडोमेन, लाइक सेम है, लॉजिक सेम है। तो यहां पर मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ, लीनियर का ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो कभी भी ऑपरेटर की बात आएगी तो आप क्या करोगे, वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ करोगे हमेशा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन v ओवर f टू v डैश ओवर f। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। अच्छा, अब बताता हूं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी ट्रांसफॉर्म जो जीरो पे मैप करे, मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जो वेक्टर स्पेस के सभी सभी वेक्टर को जीरो पे मैप कर दे, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा है कि जीरो पर मैप करे। तो ऐसा वेक्टर लाइक ऐसा फंक्शन जो वेक्टर स्पेस के सभी मेंबर को, सभी एलिमेंट को, सभी वेक्टर्स को जीरो पर मैप कर दे। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट वी ओवर एफ to v dash over f, v dash v over f is v dash over f is called, is called zero transformation, zero transformation, zero transformation if, if t of u, t of u is equals to zero for all u belongs to v, for all u belongs to v, मतलब v over f के आप सारे वेक्टर कहां मैप करते रहो, जीरो पे मैप करते रहो, v over f के, v over f के सारे वेक्टर्स आप कहां मैप कर रहे हो, जीरो पर मैप कर रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगी मेरे पास, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप चेक कर सके, देख सकते हो यहां पर, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एलटी से दिखाऊंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, लीनियर ऑपरेटर, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं बताऊंगा आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए, ऑपरेटर मैं बोल रहा हूं तो आप समझ चुके होंगे आप, ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर मींस, देखिए जैसा कि फंक्शन में आप पढ़ते चले आ रहे हो वही है और कुछ नहीं है, फंक्शन में जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हो बस वही है। क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्या करता है, हमेशा हर एक एलिमेंट को उसी पे मैप कर देता है,
यहां पर भी सेम है, हर एक वेक्टर को ये हर एक वेक्टर पे मैप कर देगा। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर चलता जाएगा आप क्वेश्चंस बहुत सारे देखोगे, और क्वेश्चंस देखोगे तो खुश हो जाओगे कि हाँ अब मैंने सीख लिया है, मतलब अब हम सीख रहे हैं कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। तो क्वेश्चन से ही आप बहुत कुछ सीखोगे, क्वेश्चन से ही बहुत कुछ, बहुत ही ज़्यादा सीखोगे आप, क्वेश्चन से ही सब कुछ सीखोगे। ओके, अ ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ, मैंने बोला लीनियर इन आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए क्या है, वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर इफ टी ऑफ यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। अगर मेरे पास हर एक वेक्टर को, मैं अगर वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर ले रहा हूँ, वो वेक्टर उसी वेक्टर पे मैप हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए आइडेंटिटी से नाम याद आ रहा होगा कुछ, 1-1 on 2 फंक्शन कुछ अगर आपको याद आ रहा होगा हल्का सा रियल में, अगर मैं यहाँ पर लूँ तो, इसलिए मैंने वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ लिया है ऑपरेटर। लाइक हर एक एलिमेंट पे मैप, मतलब हर एक एलिमेंट अपने पे ही मैप हो रहा है। V पकड़ूंगा तो वो V पर ही मैप होगा, W पकड़ूंगा तो W पर ही मैप होगा, मतलब क्या है, यहां पर कोई भी मैं वेक्टर पकड़ूंगा वो खुद पर ही मैप होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। अब मैं यहां पर एक बात लिखूंगा कि इफ T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन -T इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरे पास T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, T अगर मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन -T इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो -T भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, नेगेटिव दोनों साइड ले ले रहे हैं। अभी मैंने जो बताया था फॉर्मूले, जो मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाई थी, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी, नेगेटिव कर दीजिए आप दोनों तरफ तो मेरे पास सेम बिहेव करेगा। अभी हालांकि आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो टी अगर मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो -T भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसकी, अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई चेक करनी है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो आपको अगर चेक करना होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको वो प्रॉपर्टीज बहुत काम करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं मेरे पास। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टी सच दैट वी ओवर एफ टू वी डैश ओवर एफ इज एल टी देन टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी यही फॉलो करनी है आपको, आपको कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो सबसे पहले यही करना है आपको। अगर आप बिगिनर हैं, एकदम अभी स्टार्टिंग की है आपने, आपको यही फॉलो करना है। बाद में आप देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि कैसे क्या होगा, सब तो बाद में बताऊंगा आपको मैं, लेकिन आपको यही चेक करना है कि टी ऑफ जीरो इसको से जीरो, मतलब क्या है कि वी ओवर एफ का जो जीरो वाला एलिमेंट होगा, लाइक जीरो वैक्टर होगा, वो वी डैश ओवर एफ के जीरो वैक्टर से मैप करेगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि T ओवर F जो V ओवर F है मेरे पास, जो जीरो एलिमेंट होगा वो जीरो पर ही मैप करेगा, जीरो एलिमेंट होगा। अब वेक्टर स्पेस है तो जीरो तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सब स्पेस में जीरो हमेशा आता है, तो वेक्टर स्पेस है तो जीरो वैक्टर तो आएगा ही आएगा, तो वेक्टर स्पेस का जो जीरो वैक्टर होगा वो वी डैश ओवर एफ के जीरो वैक्टर से मैप करेगा, मतलब जीरो वैक्टर जीरो पर ही जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, उसका फिक्स है, रिजर्वेशन है उसका। ओके, तो जीरो वैक्टर जीरो पर मैप करेगा। इसको मैं प्रूफ करता हूँ, सिंपल प्रूफ है टी ऑफ जीरो। देखिए टी ऑफ जीरो मैं LHS लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, टी ऑफ जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो कर सकता हूँ, बिल्कुल इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो टी ऑफ जीरो प्लस जीरो मेरे पास टी ऑफ जीरो ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। अब देखिए, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अभी मैंने क्या बताया था आपको, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी,
ये बताया था, सच सच बताना, ये बिल्कुल बताया था। अब मैं यही कर रहा हूं यहां पर, टी ऑफ जीरो प्लस जीरो क्या कर रहा हूं यहां पर, टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। ओके, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इसको इधर ले आ रहा हूं, टी ऑफ जीरो को इधर ले आ रहा हूं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ जीरो माइनस टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो बचाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया, टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, सिंपल प्रूफ था हालांकि ये। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो वेक्टर उस पर देखना है कि जीरो वेक्टर जीरो पर मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कट कर दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छा सा खुश हो जाओगे आप, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल है मेरे पास टी सच दैट वी ओवर एफ, टी सच दैट वी ओवर एफ to v dash over f, t such that v over f to v dash over f, like मेरे पास ये transformation है, transformation है t of x comma y comma z, x comma y comma z is equals to, या मैं इसको v और f को change करके ऐसा कर दूँ friend, यहाँ पर अब अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है v और f हो गया, हमने जो पढ़ा है हम अब वही करेंगे। t such that r3 over r, भाई इसको जानते हो ना, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल जानते हो, ये अपना ही है r3 और r, ओके ये अपना ही आ रहा है r3 और r to r3 और r, ओके t of x comma y comma z, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर मैंने लिया x plus 1 y comma z, यहां मैपिंग लिए। देखिए आपको क्या होगा, क्या दिखेगा आपको, आपको सबसे पहले ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट आर क्यूब ओवर आर टू आर क्यूब ओवर आर, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एक मैपिंग डिफाइन रहेगी, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज टू एक्स प्लस वन कॉमा वाई कॉमा जेड। आपको बताना होगा क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको बताना होगा क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना होगा, मैंने क्या बताया, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही चेक करो मेरे भाई, आपको क्या करना, वो ठीक है वो हाँ मानता हूं मैं, टी ऑफ अल्फा यू प्लस वी, हाँ आप जानते हो होशियार हो मैं मानता हूं, ओके लेकिन सबसे पहली प्रॉपर्टी आप क्या करो, ये सेटिस्फाई करो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कुछ भी कर रहे हो आप, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये करो। लेकिन फिर जब जैसे जैसे चलते जाओगे आप मास्टर बनते जाओगे, खिलाड़ी होते जाओगे, फिर तो आप ऐसे देखते ही बता दोगे हटा इसको हटा, ये नहीं है ये नहीं है हटाओ। तो अभी क्या है, अभी बिगनर हो तो आप आराम से ठीक है कूल। यहां पर टी ऑफ जीरो जीरो पर ही मैप होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहां पर कि अगर मैं टी ऑफ जीरो वेक्टर लूंगा, मतलब क्या है यहां पर जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये जीरो पर ही मैप होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड जीरो ले रहा हूं मेरे भाई, तो जीरो यहां जैसे ही रखूंगा ये मेरे पास आ जाएगा वन जीरो जीरो। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो पर मैप हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। सीधा ही देखते कट कर दो, सीधा देखते ही कट कर दो इसको। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास टी ऑफ माइनस अल्फा, टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी ऑफ अल्फा, टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ अल्फा, कैसे होगा ये देखते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए समझिए इस चीज को, T of 0 है मेरे पास, T of 0 है मेरे पास, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, बताओ कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी है इसमें, T of भाई मैंने 0 को अल्फा प्लस माइनस अल्फा कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हो यहां पर, हाँ अगर ये मेरे पास लाइक मैं यहां पर पहले ही डिफाइन करके चल रहा हूं, टी सच दैट वी ओवर एफ टू वी डैश ओवर एफ, ये मेरे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, सबसे पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये मेरे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भाई इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, टी ऑफ यू प्लस वी इसको सिर्फ टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ये कंडीशन बहुत फॉलो करनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी इसको सिर्फ टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, तो बस यहां मैं वही करूंगा। यहां पर क्या कर रहा हूं फ्रेंड, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो, T of 0. अच्छा, अभी मैंने बताया T of 0 कहां मैप करता है, 0 पर मैप करता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, तो T of alpha plus T of minus alpha is equals to 0, हाँ उधर कर दिया 0, ठीक है। अब देखिए T of minus alpha मुझे चाहिए ना, तो T of minus alpha क्या हो गया, ये देखो आ गया minus T of alpha, देखो हो गया T of minus alpha, क्या हो गया मेरे पास, minus T of alpha हो गया। तो ये सिंपल सा प्रूफ था, हालांकि देने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बस याद रखना है, तो मैं दे दे रहा हूँ हल्के से। ओके,
हाँ, अब यहां पर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है फ्रेंड, लाइक अगर आप माइनस सीख चुके हैं तो आप ये भी अब सीख जाओगे ना। लाइक अगर मैं बात करूं टी ऑफ यू प्लस वी, मेरे पास अगर मेरे टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ सॉरी प्लस टी ऑफ वी है, तो अगर मैं बात करता हूं टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, तो आप ये भी बोल दोगे ना टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये टी ऑफ लाइक इसको मैं क्या लिखूंगा टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस बीटा, तो इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं माइनस टी ऑफ बीटा, बस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी भी काम आएगी बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आप देखेंगे तो काम आएगी फ्रेंड। ओके फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है लाइक टी ऑफ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन, अल्फा वन वी वन कुछ याद आ रहा है क्या है, कॉम्बिनेशन है ये वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास होता है अल्फा वन टी ऑफ वी वन, मतलब ये क्या हो जाता है अल्फा वन बाहर आ जाता है टी ऑफ टी अंदर हो जाता है, टी ऑफ वी वन प्लस अल्फा टू टी ऑफ वी टू प्लस अल्फा थ्री टी ऑफ वी थ्री प्लस एंड सो ऑन अल्फा एंड टी ऑफ वी एन। ओके अब आप देख सकते हैं यहां पर ये मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी होती है टी ऑफ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री एंड सो ऑन, और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। क्या होता है फील्ड एलिमेंट बाहर आ जाता है, फील्ड का एलिमेंट बाहर आता है और बाकी टी ऑफ वी वन हो जाता है, तो बस मैं सबके साथ यही कर रहा हूं, बस हो गया। ओके तो अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड, टी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन अल्फा आई वी आई, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं एकदम, मैथमेटिक्स है, मैं स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हो, शॉर्टकट करना जानते हो, हर चीज मैंने शॉर्ट में लिख दी इसको। ओके कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा करने वाली बात ही नहीं। हाँ इसको आप क्या लिखोगे, देखो समझो इस चीज को, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये क्या लिखोगे आप अल्फा आई टी ऑफ वी आई, दैट्स इट। आप इसको क्या लिखोगे अल्फा आई टी ऑफ वी आई, तो यहां से एक बात हमें क्या सीखने को मिली कि भाई टी क्या करता है समेशन के अंदर चला जाता है, टी क्या करता है समेशन के अंदर चला जाता है, अगर समेशन दिखेगा टी आराम से अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो आप देख सकते हो टी ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई वी आई इक्वल टू हो गया समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई टी ऑफ वी आई। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब मैं यहां पर एक पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब मैं यहां पर एक पॉइंट बताता हूं फ्रेंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। ओके नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, Every linear transformation is homomorphism. But converse need not be true. Okay. Homomorphism है, linear transformation है, तो homomorphism पक्का होगी, कन्वर्स ट्रू होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, दो कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे पास दो कंडीशन होती है, कैसी होती है, एक टी ऑफ यू प्लस वी होती है फ्रेंड, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, और मेरे पास होती है टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू। ओके और होमोमॉर्फिज्म में मेरे पास केवल और केवल एक ही कंडीशन होती है टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, तो आप देख सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे पास दोनों कंडीशन होल्ड करता है और यहां पर ये केवल ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये तो इसका सबसेट ही हो गया ना अगर देखा जाए, मतलब एक ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये तो क्या है, ये तो केवल एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और वो है उसमें, तो इसका मतलब क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म होगी। लेकिन होमोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी उसके लिए एग्जांपल है सी ओवर सी, सी ओवर सी हमने क्या किया यहाँ पर वेक्टर स्पेस ले लिया, सी ओवर सी ले लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मेरे पास मान लीजिए होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये चीज चलो ठीक है फॉलो करेगी, मान लिया मैंने ये चीज फॉलो करेगी, क्या ये फॉलो करेगा, क्या मेरे पास ये फॉलो करेगा, क्या मेरे पास ये चीज फॉलो करेगी कि टी ऑफ अल्फा यू करूं मैं, मतलब कि यहां पर अगर मैं एक लाइक अगर मैं बात करता हूं जैसे कि एक मैं ऐसे ले लीजिए टी ऑफ जेड इसको जेड बार कर दिया मैंने, टी ऑफ जेड इसको जड़वार कर लिया। ओके तो देखिए ये तो मेरे पास ये सेकंड कंडीशन फेल कर जाएगा,
सेकेंड कंडीशन फेल कर जाएगा। होमोमॉर्फिज्म तो है ये, बेशक होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन ये सेकेंड कंडीशन फेल कर देगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ अल्फा जेड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा वार जेड वार, अल्फा वार जेड वार। अल्फा यहाँ पर कोई भी मैं अगर मान लीजिए आयोटा ले लूँ, मैं यहाँ पर अल्फा आयोटा ले लूँ, फील्ड का मेंबर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। देखिए समझो आराम से क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो होमोमॉर्फिज्म होगी, लेकिन अगर होमोमॉर्फिज्म है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सी ओवर सी एक एग्जाम्पल लिया, इसका मतलब और एक लीनियर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये डिफाइन कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये डिफाइन कर दी, या मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बोलूँ टी सच दैट सी ओवर सी टू सी ओवर सी, मैं ऐसे ही डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, एंड मैपिंग मैंने कर दी टी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार, टी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार। अब देखिए आप यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगा, फर्स्ट कंडीशन ये होल्ड करेगा, आप देखोगे तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड करे मतलब होमोमॉर्फिज्म होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप टी ऑफ आयोटा जेड करते हो तो ये मेरे पास आयोटा वार जेड वार आएगा, आयोटा वार जेड वार आएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और जेड वार। ओके, अगर मैं इस कंडीशन को देखता, मान लीजिए जेड इसको तो मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, समझिए इस चीज को, तो मेरे पास क्या होता, टी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू होता मेरे पास एक्स माइनस आयोटा वाई, ये होता। लेकिन ये चीज मेरे पास कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, लेकिन यहां पर आयोटा के करने से क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हो टी ऑफ आयोटा एक्स, ये आयोटा स्क्वायर माइनस ये मेरे पास हो जाएगा, माइनस मेरे पास हो जाएगा वाई। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइक यहां पर आप देखोगे आयोटा वार जेड वार, लाइक माइनस आयोटा और जेड वार जब करोगे तो मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये मेरे पास हो गया माइनस आयोटा एक्स प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस वाई हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस वाई हो गया फ्रेंड, जो कि मेरे पास क्या हो गया, देखिए टी ऑफ माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई हो गया। अच्छा, अब आप देखिए जो कि मेरे पास ये आना क्या चाहिए था, आयोटा टाइम्स टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई, यहां पर लेकिन क्या आया, माइनस आयोटा टाइम्स टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये सेकेंड कंडीशन फेल कर गया। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तब फिर भी अच्छी बात है, थोड़ा समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे आप तो वहां से सब कुछ समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा आपको, सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ठीक है, टेंशन नहीं लेना है हमें, समझ में चीजें आ रही हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दोबारा रिपीट कर दो यार वीडियो, यही तो फायदा है इसका कि थोड़ा सा रिपीट कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बेसिक लेवल से मैं उठाऊंगा और कॉम्प्लिकेटेड का भी सब कुछ बता डालूंगा, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा नहीं इतनी चीजों को, लेकिन हाँ बेसिक से उठाऊंगा और सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट रहेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम दो अपने आपको। ओके, हाँ नेक्स्ट है मेरे पास इफ टी सच दैट V over Q, देखिए यहाँ पर मैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Q ले रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम फील्ड लाइक लीनियर ऑपरेटर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, V over Q to V over Q and T of U plus V is equals to T of U plus T of V, मुझे ये गिवन है, बस मुझे ये गिवन है, इफ T such that V over Q to V over Q and T of U plus V is equal to T of U plus T of V. अब मुझे ये क्या दिखाना है, then show it is linear transformation. मुझे ये show करना है कि ये क्या होगा, linear transformation होगी। अब linear transformation के लिए इसका मतलब ये है कि एक condition मेरे पास ये given है, एक कंडीशन मेरे पास गिवन है, मुझे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई मतलब क्या है कि टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू आना चाहिए, बस दूसरी कंडीशन ये क्या होता है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। देखो क्या चल रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे आएगा, कर क्या रहे हैं हम लोग यहां पर, हमें यह चीज दिखाना है, इफ टी सच दैट वी ओवर क्यू टू वी ओवर क्यू
टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, देन शो दैट इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एक तो फर्स्ट वाली और दूसरी वाली। फर्स्ट वाली गिवन है, हमें दूसरी वाली चेक करनी है, टी ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू। ओके, अल्फा कहां से आता है, फील्ड से आता है, तो इसका मतलब क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, फील्ड इसमें क्या है, क्यू है, फील्ड इसमें क्या है, क्यू है। क्यू के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, क्यू के मेरे पास एलिमेंट होते हैं पी बाई क्यू टाइप के, पी बाई क्यू टाइप के, वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैं बोल दूं, ये मैं बोल सकता हूं, p belongs to integer, q belongs to natural number, okay, तो यहां पर आप देखेंगे अब कि p by q type के होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, यहां पर t of p by q into u is equals to p by q into t of u, ये मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है मुझे, ये मुझे प्रूफ करना है, t of p by q into u is equal to p by q into t of u प्रूफ करना है। ओके, अब आप देखिए यहां पर, अब मुझे ये जब प्रूफ करना है तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहली चीज देखते हैं, इसको लेते हैं हम लोग, देखिए यही चीज तो मुझे प्रूफ करना है यहां पर। ओके, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं फ्रेंड, t of p by q into u is equal to, अब समझिएगा इस चीज को, अब इस चीज को समझिएगा कि इसको मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, इसको मैंने शायद लिमिट में भी बताया था, ऐसा टाइप का कुछ, ऐसा टाइप का मैंने लिमिट में भी बताया था आपको, जब मैंने लिमिट पढ़ाई थी आपको तो वहां पर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो यहां पर भी सेम चीज चल रही है। देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी ऑफ वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू प्लस एंड सो ऑन वन बाई क्यू, और ये मेरे पास इंटू यू हो गया, ये मेरे पास कितने टाइम्स है, पी टाइम्स है, ये मेरे पास कितने टाइम्स है, पी टाइम्स है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू प्लस एंड सो ऑन वन बाई क्यू इंटू यू, यू मैंने बाहर कर दिया, और ये मेरे पास कितने टाइम्स है, पी टाइम्स है, ये मेरे पास पी टाइम्स है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यू को अंदर ले आया, अब मैं यू को अंदर ले आया, यू 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 यू, ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, U को अंदर ले आया मैं, U, U by Q, U by Q, U by Q, and so U by Q। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इस प्रॉपर्टी को लगा रहा हूँ, T of U plus V को यहाँ पर लगा रहा हूँ फ्रेंड, ये क्या है मेरे पास, T of U plus V, ओके, यहाँ पर भी सेम है, वही चीज़ है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ T of U by Q plus T of U by Q plus T of U by Q plus and so on T of U by Q। तो मेरे पास ये कितने टाइम्स था, ये कितने टाइम्स था, P by P टाइम्स था, ये भी मेरे पास P टाइम्स रहेगा, P into T of U by Q, P into T of U by Q, तो मेरे पास ये क्या हो गया, P into T of U by Q टाइम्स हो गया। ओके, हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर मैंने ये दिखाया, यहाँ पर मैंने ये चीज़ दिखाया इसको, कि T of, लाइक इसको मैं लिख सकता हूँ T of P by, लाइक T of P by Q into U is equal to, मेरे पास ये हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, T of U है मेरे पास, T of U है मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T of Q by Q into U, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T of Q by Q into U, T of Q by Q into U। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फिर से वही काम कर रहा हूँ, T of 1 by Q plus 1 by Q plus and so on 1 by Q into U, ओके, ये मेरे पास क्या है, Q times है, ये मेरे पास क्या है, Q times है, ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, Q times है, फिर से मैंने U को अंदर किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, U, 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 ओके, अब आप देखेंगे, फिर से मैं उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा यहाँ पर, T of U by Q plus T of U by Q plus T of U by Q and so on T of U by Q, ये कितने टाइम्स है, इस बार कितने टाइम्स है, Q टाइम्स है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, Q into T of U by Q, ओके, T of U is equal to this, ये मेरे पास सेकेंड आ गई इक्वेशन, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, देखिए मुझे शो क्या करना है, टी ऑफ पी बाई क्यू इंटू यू इसकोस टू पी बाई क्यू इंटू टी ऑफ यू, ये मुझे शो करना है। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा या इससे इसको डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या होगा, लाइक इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास टी ऑफ यू बाई क्यू, टी ऑफ यू बाई क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आएगा पी बाई क्यू इन पी बाई क्यू, यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इसकोस टू, ये मेरे पास हो जाएगा टी ऑफ पी बाई क्यू इंटू यू अपॉन टी ऑफ यू, और फिर T of U मैं अगर उधर भेज दूँ, अगर मैं उधर भेज दूँ तो मेरे पास आएगा T of P
पी बाई क्यू इंटू यू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू टी ऑफ यू। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि मेरे पास क्या होगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये मुझे दिखाना था ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल सी चीज है जो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उतना ज्यादा, तो मैंने अभी तक ये बताया। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपके सामने। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा फ्रेंड। ओके, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन की बौछार दूंगा आपको, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चन को देख के। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। ओके, तो क्वेश्चन है मेरे पास t such that c 0,1, मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0,1 पर, टू सी 0,1, मतलब क्या है, मैंने यहां पर क्या बोला है, मेरे पास t एक मैपिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल 0,1 to 0,1 पर मैप हो रहा है। मतलब मेरे पास, मैंने यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जीरो को ऊपर, लाइक क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 पर मैप कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। ओके, और एक मैपिंग दूंगा अब यहां पर मैं, लाइक टी ऑफ एफ, मतलब फंक्शन जो है मैप हो रहा है, कैसे मैप हो रहा है, 0 to t f(x) dx, f(x) dx, यहां पर मैंने मैपिंग डिफाइन किया है, t(f) = 0 to t f(x) dx। ओके, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगी, आपको सबसे पहले क्या दिया रहेगा, एक मैप वो दिया रहेगा t such that continuous 0,1 like v over f to v dash over f, और एक मैपिंग दी रहेगी यहां पर, एक t(f) = मतलब कैसे है वो चीज, t(f) = 0 to t f(x) dx। ओके, हाँ, अब आप देखिए यहां पर, अब आपको ये दिखाना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चेक करना है तो फिर से वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टी ऑफ, हाँ, मैंने यहां पर बताई थी आपको थ्री कंडीशंस बताई थी, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी, या फिर आपको बताया था टी ऑफ अल्फा यू प्लस वी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो मैं यहां पर वही फॉलो कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं फ्रेंड, लाइक इसको मैं ऐसा दिखना चाहता हूं, टी ऑफ लैम्डा एफ, यहां पर क्या है, इस बार वेक्टर की जगह फंक्शंस हैं, एफ और जी मैंने दो फंक्शन लिए, लाइक फॉर ऑल एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू सी ओवर कॉन्टिन्यूस ओवर 0,1, ओके, एंड फॉर ऑल एल्फ लैम्डा बिलोंग्स टू एफ फील्ड, लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड मीन्स लाइक, देखिए फील्ड मीन्स 0,1 इसके बीच में, लैम्डा एक एलिमेंट में ये पिक कर रहा हूँ, मतलब कि देखिए ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोई, क्लोज इंटरवल 0,1, मैं इसके बीच में कोई नंबर ले रहा हूँ लैम्डा, ओके, लाइक क्लोज इंटरवल 0,1, ओके, हाँ, अब देखिए तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, टी ऑफ लैम्डा एफ प्लस जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होना चाहिए, लैम्डा टी ऑफ एफ प्लस टी ऑफ जी। ये अगर मैं प्रूफ कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्रूफ करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है, तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं आप ऐसे इस चीज को, देखिए टी ऑफ लैम्डा एफ प्लस जी, टी ऑफ लैम्डा एफ प्लस जी। अब आप क्या करिए, कभी भी प्रूफ करना हो, कभी भी अगर आपको प्रूफ करना हो, जैसी कंडीशन गिवेन है उसी तरह रखने की कोशिश करिए। देखो अभी मैं जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसे देख के यहां पर वीडियो देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मुझे गिवन होगा ना मैं उस तरह ट्राई करूंगा उस चीज को। क्या गिवन है मुझे, कि ये मेरे पास एक एफ गिवन है, इसी तरह ये भी मेरे पास एक एफ गिवन हो गया, ये बड़ा ना देखो इसको छोटा समझो, ये मेरे पास क्या हो गया, एक एफ हो गया। तो ये कैसे डिफाइन है, 0 to t यहां पर एफ ऑफ एक्स हो गया, मतलब क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स, लाइक ये मेरे पास अगर मैं किसी को एक फंक्शन ले रहा हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ प्लस जी, ये मेरे पास अपने आप में एक फंक्शन हो गया, और ये एक्स इंटू डीएक्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अभी कुछ नहीं पता, जो मुझे पता है मैं वही फॉलो कर रहा हूं, खत्म। क्या करना है आपको, जिस तरह यहां गिवन है, मतलब ये अपने आप में एफ जी, ये मेरे पास ये क्या हो गया, एक अपने आप में एकलौता एच हो गया, लाइक टी ऑफ एच ही तो मैं यहां पर कर रहा हूं, एच लैम्डा एफ प्लस जी, इतना बड़ा ना होकर यहां पर मैं एच रिप्लेस कर रहा हूं, इसको मैं एच रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास एच एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही करना है आपको, अगर आप बिगिनर हो ठीक है, आप मैथ्स ऑनर्स के बच्चे हो, डी यू के भी हो कुछ लोग, आप कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग हैं तो सोचते हैं ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, तो लेकिन
कुछ चीजें, कुछ लोग हैं जो बिगनर होते हैं, उनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से चलता हूं। ओके, तो यहां पर देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, लैम्डा एफ प्लस जी। ओके, तो ये मेरे पास मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहां पर ये मेरे पास क्या होगा, लाइक लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये इसको मैं क्या लिखूंगा, जीरो टू टी लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। यहां पर मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको मैं क्या करूंगा, जीरो टू टी लैम्डा टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू टी जी ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो टू टी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर ये क्या होगा, ये भाई ये कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर फेंको, इसको अंदर अच्छा ही लगता ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है लैम्डा, तो बाहर कर दो इसको। तो यहां पर हम क्या करना है, लैम्डा को हम बाहर कर रहे हैं, लैम्डा टाइम्स जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू टी जी ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो टू टी जी ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये मेरे पास है क्या है, ये बेसिकली ये है क्या मेरे पास, जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरे पास क्या है, आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, टी ऑफ एफ है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको टी लैम्डा टाइम्स टी ऑफ एफ प्लस, ये मेरे पास क्या है भाई, एफ की जगह जी चेंज कर लो, नाराज क्यों हो रहे हो, जी टी ऑफ जी इक्वल्स टू जीरो टू टी जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, टी ऑफ जी। देख सकते हो आप यहां पर जो मुझे प्रूफ करना था ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं। यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और फिर उसको आपको ट्राई करना है, उसके सॉल्यूशन बताना है आपको, लाइक उसके सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन आपको ट्राई करना है फ्रेंड। तो अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन बता, तो फ्रेंड्स आपके सामने मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन, और इसको देख कर आप एक पेज लीजिए और इनको सबको लिख लीजिए। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें कॉपी में लिखिए, और ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं, इधर मेरे पास क्वेश्चन है, और फिर इनको आप क्या करिए, पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करिए, सॉल्यूशन खुद निकालिए, और फिर मैं सॉल्यूशन तो अभी बता ही रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन इसका बता ही रहा हूँ आपको। तो सबके क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस देखिए, लिखिए कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कौन सा नहीं होगा, और इधर आपको ये सारे क्या करने हैं, आपको पेज में ऐसे लिखने हैं, और फिर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ फ्रेंड, आप पॉज करके उनको पहले करने की कोशिश करिए। अच्छा, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू टू आर टू, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चेक करने का एकमात्र यही तरीका है, आप क्या करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जीरो लेवल का स्टूडेंट हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ डेफिनेशन जानता हूं। अभी क्या है, अभी तो मेरा माइंड दौड़ा तो है नहीं, मैं केवल डेफिनेशन जानता हूं। क्या है डेफिनेशन, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। भाई कोई भी डेफिनेशन लगाओ, उन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लगाओ, राजी है, कोई दिक्कत नहीं। टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर देखिए, ये x और y क्या क्या होते थे, x और y एलिमेंट होते थे डोमेन के, x और y एलिमेंट होते थे डोमेन के। इस बार R2 दिया गया है, इस बार R2 गिवन है, तो R2 के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं भाई, x कॉम y टाइप के होते हैं। R2 के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, टपल्स में होते हैं ना मेरे पास, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, x कॉम y टाइप के होते हैं। तो यहां पर जो x चूज करेंगे वो कैसा चूज करेंगे, x1 कॉमा x2 टाइप का चूज करेंगे। y चूज करेंगे वो कैसा चूज करेंगे, y1 कॉमा y2 टाइप का चूज करेंगे। समझो समझो, याद नहीं करना कुछ भी, यहां पर डेफिनेशन मुझे क्लियर है। डेफिनेशन क्या है, t ऑफ अल्फा x प्लस y इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस t ऑफ y। यहां पर x और y एलिमेंट किसके होते थे, डोमेन के होते थे। देखिए हां, समझ रहा हूं मैं, इतनी छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जो जीरो हैं, एकदम जीरो हैं, उनके लिए बेनिफिट होती है, नहीं तो सब उड़ता चला जाता है। ओके, t ऑफ अल्फा x प्लस y इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस t ऑफ y। x को क्या, x और y डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट हैं किस टाइप के, r2 के एलिमेंट होते किस टाइप के हैं भाई, टपल्स में होते हैं ना, x1, x2 में। तो ये x1, x2 हो गया, ये y क्या हो गया, y1, y2 हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो अब कैसे लिखूंगा, t ऑफ अल्फा x1, x2 प्लस y1, y2। ओके, अब आप इसको देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे आप t ऑफ अल्फा x1 प्लस y1, अल्फा x2 प्लस y2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो फ्रेंड। अब ये आपका, ये मान लीजिए एक एलिमेंट बना, लाइक इसका देख सकते हैं आप, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस वाई वन
अल्फा एक्स टू प्लस वाई टू, अल्फा एक्स टू प्लस आई बाई टू, जब इसमें आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा टी ऑफ एक्स आ रहा है प्लस टी ऑफ वाई आ रहा है। इस चीज को आप पुट करके देख सकते हैं फ्रेंड, मैं दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो मेरे पास x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जगह क्या आएगा मेरे पास, t ऑफ अल्फा x1 प्लस y1, मेरे पास x की जगह आएगा अल्फा x1 प्लस y1, कॉमा y की जगह क्या आएगा मेरे पास अल्फा x2 प्लस y2। तो ये मेरे पास x की जगह आएगा और ये y की जगह आएगा फ्रेंड। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या आ गया अल्फा x1 प्लस y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस y2। ओके अब मुझे चेंज करना है अल्फा टाइम्स लाइक अल्फा टाइम t ऑफ x, अल्फा टाइम t ऑफ x प्लस t ऑफ y, ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अभी स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा टाइम लग रहा है हल्का सा, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। अब देखिए इसको अगर मैं देखूं, ये मेरे पास क्या है टपल्स में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा, मैंने एक्स को क्या ले रखा था एक्स वन कॉमा एक्स टू ले रखा था, और वाई को क्या ले रखा था वाई वन कॉमा वाई टू ले रखा था। अब देखिए एक्स वन कॉमा एक्स टू किस में चेंज होगा, एक्स वन कॉमा एक्स टू मेरे पास चेंज होगा अल्फा टाइम्स एक्स वन कॉमा एक्स टू में ही, क्योंकि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या आ रहा है मेरे पास एक्स कॉमा वाई ही आ रहा है, और वैसे भी आइडेंटिटी फंक्शन है यार, आइडेंटिटी ऑपरेटर है देखा जाए तो, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लेकिन तब पर भी चेक करना है, चेक कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ, और यही एक तरीका है सब चेक करने का, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का यही तरीका है। ओके एक्स वन कॉमा एक्स टू इसी तरह इसमें देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा वाई वन कॉमा वाई टू आएगा। ओके अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा एक्स वन, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस वाई वन कॉमा अल्फा एक्स टू प्लस वाई टू विच इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर मैंने क्या किया LHS से ये निकाला RHS से ये निकाला, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या होगा मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रेंड। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लगा के बकायदे आपको दिखाया। ओके सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है मेरे पास, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा आप चेक करके देख सकते हो, तो ये बनाएगा मेरे पास ये बनाएगा। अच्छा ये देखिए इसको देखना है आपको, तो क्या ये जीरो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या जीरो वेक्टर इसमें लाई करेगा, मतलब ये है कि सॉरी जीरो वेक्टर जीरो पे मैप होगा, एक्स और वाई में जीरो लूंगा तब पर भी वो वन वन पर ही जाएगा, इसका क्या है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इस पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जीरो वेक्टर जीरो जीरो साइन जीरो जीरो जीरो, हाँ जीरो पे जाएगा ठीक है। अब आप देखिए जब आप एडिशन करोगे, जब आप एडिशन करोगे या तो आप ऐसा कर लीजिए देखिए फर्स्ट वही फर्स्ट टी ऑफ यू प्लस वी is equals to t of u plus t of v, t of u plus t of v, इसको भी आप देख सकते हैं ये चीज कि आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं t of u plus v equals to, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे t of x1 y1 लूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पर t of x1 y1 लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा sin x1 comma y1 आएगा, और इसी तरह अगर मैं टी ऑफ एक्स टू वाई टू लूंगा तो मेरे पास आएगा साइन एक्स टू वाई टू आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देखिए, जब मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ इसको देखिए टी ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल्स टू मेरे पास आएगा साइन एक्स वन कॉमा वाई वन। ओके जब मैं यहाँ पर टी ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन एक्स टू कॉमा वाई टू, और जब मैं ऐड करूंगा इनको तो मेरे पास क्या आएगा टी ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू वाई टू x2 y2। ये मेरे पास आने का क्या आने क्या चाहिए फ्रेंड, ये मेरे पास आना चाहिए x1 plus x2 comma y1 plus y2, ये मेरे पास ये आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या ये देखिए इसको जब ऐड करोगे आप तो मेरे पास आएगा sin x1 plus sin x2 comma y1 plus y2। तो देखिए ये आना क्या चाहिए था, अब समझिए इस चीज को, अगर मैं t of x1 plus x2 comma y1 plus y2 ये आना चाहिए था, तो ये अगर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये निकालूंगा तो मेरे पास आएगा sin of x1 plus x2 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, ये आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू, और ये साइन एक्स वन प्लस एक्स टू साइन एक्स टू मेरे पास इसके इक्वल नहीं होता है, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टी ऑफ एक्स वन वाई वन मैंने साइन एक्स वन वाई वन किया, टी ऑफ एक्स टू वाई टू साइन एक्स टू वाई टू किया, इन दोनों को ऐड किया मेरे पास टी ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू वाई टू इसको, तो ये क्या होगा साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू। ओके ये मेरे पास आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, ये मेरे पास अगर टी ऑफ ये निकालूंगा तो मेरे पास आना चाहिए ये, लेकिन आ क्या रहा है ये, तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं भाई, ये तो ठीक है ये दोनों इक्वल है, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, क्या साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के, नहीं, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं
ओके तो ये मेरे पास इक्वल नहीं होता है फ्रेंड। ओके तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी फ्रेंड। तो ऐसे ही चेक करना है हमें ऐसे ही चेक करना है और थोड़ी देर बाद आप देखते पहचान जाओगे। इसी तरह इसमें देख सकते हैं आप एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स, अब इसमें देखेंगे इसी तरह टी ऑफ एक्स वन वाई वन मेरे पास क्या होगा एक्स वन कॉमा मॉड ऑफ एक्स वन। ओके इसी तरह टी ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू क्या होगा मेरे पास एक्स टू कॉमा मॉड ऑफ एक्स टू, और जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा टी ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू इज इक्वल मेरे पास क्या आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा मॉड ऑफ एक्स वन प्लस मॉड ऑफ एक्स टू। ओके ये मेरे पास आना क्या चाहिए, मेरे पास आना चाहिए टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू। ओके ये मेरे पास ये आना चाहिए, जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा एक्स वन मतलब फर्स्ट क्वांटिटी जो मेरे पास है एज इट इज है, फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज है मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू है, और फिर सेकंड जो है मेरे पास लाइक सेकंड में क्या हो रहा है यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी का मॉड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है मतलब फर्स्ट एलिमेंट का लाइक फर्स्ट नंबर का मेरे पास मॉड हो जा रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू। मेरे पास ये आना चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास ये आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है लेकिन आना मेरे पास ये चाहिए, इसका मतलब क्या है मॉड ऑफ एक्स वन प्लस मॉड ऑफ एक्स टू ये कभी इक्वल नहीं होता, लेस देन इक्वल टू हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, मतलब ये जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल लेकिन नहीं होता, लेस देन भी होगा या इक्वल होगा कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है ये भी इक्वल ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बस वही सेटिस्फाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से देखो वीडियो समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, अब आप समझ सकते हो मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा कि क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब ये वन है जीरो वेक्टर रखूंगा तो मेरे पास ये वन फंस जाएगा, जीरो जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है ये नहीं बनाएगा। इसी तरह बात करता हूं अगर मैं इसकी, ये आराम से बना लेगा, आप देख सकते हो इसको अगर सेटिस्फाई करोगे आप इसको, मैं बस ये लास्ट सेटिस्फाई कर रहा हूं या आप कर सकते हो इसको सेटिस्फाई कर सकते हो टी ऑफ एक्स वन वाई वन करोगे एक्स वन कॉमा टू वाई वन आ जाएगा मेरे पास, ये बना लेगा या मैं करके दिखा देता हूँ हल्का से इसको, लाइक टी ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन इसको मेरे पास आएगा एक्स वन कॉमा टू वाई वन। ओके अब देखिए आप इसी तरह टी ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू इसको मेरे पास क्या आएगा एक्स टू कॉमा टू वाई टू, जब इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू इसको मेरे पास क्या आना चाहिए ये एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा टू वाई वन प्लस वाई टू ये मेरे पास आना चाहिए, ये आना चाहिए लेकिन आके आएगा क्या देखो इसको जब ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा टू वाई वन प्लस टू वाई टू टू वाई टू, और जब इनको कॉमन लोगे टू मेरे पास क्या आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा टू कॉमन लिया मैंने वाई वन प्लस वाई टू तो मेरे पास सेम ये आ गया, सेम आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रेंड। ओके आप अल्फा टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तब पर भी वो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ये मेरे पास क्या होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रेंड। ओके ये होगी, इसी तरह साइन एक्स फंस जाएगा भाई नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगी मॉड है फंस जाएगा नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये हो जाएगी, चेक करके देख सकते हो आप ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, जब आप ऐड करोगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा जो कि एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, समझने की कोशिश करो एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है, जब मैं इसको ऐड करूंगा इसी तरह टी ऑफ एक्स वन वाई वन लूंगा टी ऑफ एक्स टू वाई टू लूंगा ऐड करूंगा तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा जो कि एक्स वन प्लस एक्स टू के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होता फ्रेंड, इसका ये नहीं बनाएगा, ये बना लेगा आप चेक करोगे ये बना लेगा। ओके अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर थ्री टपल्स हैं टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसको एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस आप इसको चेक करोगे तो ये बना लेगा। ओके इसी तरह इसमें देखोगे तो फंस जाओगे एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर करोगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर वो नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है ये नहीं बनाने वाला है। इसी तरह इसमें देखोगे तो फंस जाओगे, जब फर्स्ट में टी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन लोगे इसको तो मेरे पास आएगा एक्स वन वाई वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और टी ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू लोगे तो मेरे पास आएगा एक्स टू वाई टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो, जब इनको ऐड करोगे तो मेरे पास ये क्वांटिटी क्या आएगी एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू लेकिन कॉमा जीरो कॉमा जीरो आना क्या चाहिए था, ये मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का आना चाहिए जेड वन जेड टू टाइप का आना चाहिए था लेकिन ये मेरे पास ये आना क्या चाहिए था, इसको मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू वाई वन प्लस वाई टू कॉमा जेड वन प्लस जेड टू। ओके इसको अगर मैं देखूंगा तो इसके हिसाब से ये क्या आएगा मेरे पास देखो एक्स इंटू वाई तो मेरे पास आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू ये आना चाहिए फर्स्ट में, और जीरो कॉमा जीरो आप देखो ये मैं इसको सीधा इस पे रख रहा हूँ, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू ओके कॉमा जीरो ये आना चाहिए लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास ओनली एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ यार क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सब में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे देखिए वीडियो, फिर से देखिए, सब समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आप बिगिनर हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बातें, आप बिगिनर हो, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, सब आएगी। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। धीरे धीरे टाइम दो इनको, ओके। ये नहीं बनाएगा, साइन एक्स है, दूर से इसको कर दो। इसी तरह इसको करोगे, ई टू द पावर एक्स वन प्लस ई टू द पावर एक्स टू, ये कभी भी ई टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स टू के इक्वल नहीं होगा। जब आप इसको करोगे, करिए इस चीज को, इस चीज को करिए, नकारिए नहीं, इसको करिए। इसका मतलब ये भी नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं बनाएगा। इसमें देख सकते हो आप, इसमें तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या इसमें सीधा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस वन ले लो, ऐड कर दो, वो भी नहीं बनाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 2x, मैंने लिया 2x वाई जेड, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा, टू ऑफ लाइक टी ऑफ अल्फा एक्स कॉमा वाई, मतलब यहाँ पर मैं कोई स्केलर ले रहा हूँ, लाइक टी ऑफ 2x 2y 2z ले लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स की जगह जैसे 2x रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लाइक लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x आ जाएगा प्लस 1, लेकिन 2 बाहर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं बनाएगा। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पर, आराम से क्या करना है, डेफिनेशन लगाओ, जैसे मैंने बोला है वैसे करो, सारे क्वेश्चन में ऐसे करो। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, टाइम दो, लेकिन हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी बताते चले जा रहे हो, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ओके। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, जो बिल्कुल जीरो हैं, एकदम बिल्कुल जीरो हैं, वो क्या करें, एकदम पेज लिए ही है वो, तो सब में डेफिनेशन लगाएं, सब में डेफिनेशन लगाने की कोशिश करें। डेफिनेशन क्या लगानी है, सिंपल सा, बस यही करना है आपको, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। कन्फ्यूजन हो रही है x और y लेने में, तो भाई जैसा डोमेन दिया गया है वैसे ही एलिमेंट चूज करने हैं, जैसा डोमेन वैसा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वही वाली बात है कि मेरे पास ये डोमेन दिया गया होगा वैसे ही आपको ये एलिमेंट लेने हैं। कैसे दिया गया, टपल्स में दिया गया, x1 कॉमा x2 में दिया गया, तो ये एलिमेंट भी तो इसी तरह लोगे ना, तो बस वही करना है आपको, बस यही, बस एक से हो जाएगा, सबका दाता एक, तो यही है बस, इसी का यही है खत्म, इसी से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह ये भी नहीं होगा, ये चेक करोगे ये हो जाएगा, ये चेक करोगे आप ये हो जाएगा, ओके। इसी तरह एक्स वाई फंस गया, नहीं होगा। तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे, आपने देखे। अब मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं फ्रेंड, फिर से आप इनको नोट कर सकते हैं और फिर से करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ पर मैं आप सॉल्यूशन दूंगा, पहले आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद ये कुछ नहीं करना है, बस एक डेफिनेशन लगानी है, बस हो गया। वही डेफिनेशन आपको यूज करनी है, सारे क्वेश्चंस लगेंगे आपसे, ओके। देखिए अब मेरे पास फर्स्ट है, टी सच दैट एम एन ओवर आर टू एम एन ओवर आर। देखिए करना क्या है, टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्या ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रेंड। तो आपको क्या करना होगा, दो एलिमेंट पिक करने हैं, कहाँ के, डोमेन के, लाइक मैंने आपको बताया था टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, मैंने यही चीज बताई थी आपको। तो इसमें एक्स क्या है, इस बार एक्स और वाई क्या है, एम एन ओवर आर के एलिमेंट, मतलब क्या है, मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, टी ऑफ अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी आना चाहिए मेरे पास, ओके। अगर मैं इसकी बात करूँ, एल एच एस की बात करूँ, ये मेरे पास क्या होगा, टी ऑफ अल्फा प्लस बी, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा टाइम्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके। अगर देखिए ये चीज मैं बता दूं आपको, एक्स प्लस वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। इसको आप मैट्रिक्स लेकर देख सकते हो यार, इसको आप मैट्रिक्स लेकर देख सकते हो, मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लेकर देख नहीं रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज होगा, एक्चुअल में यही प्रूफ ही करना है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ओके। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स लेके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास होगा, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी, ओके। तो ये पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर मैं बात करता हूँ टी ऑफ ए इक्वल्स टू ए बी, बी फिक्स्ड मैट्रिक्स है, फिक्स मतलब कि चेंज नहीं हो रही है, बस आपने क्या किया, एक बी एक फिक्स्ड मैट्रिक्स वहां पर रख दी, ओके। तो देख सकते हैं आप यहां पर, ये मेरे पास क्या होगा, टी ऑफ ए प्लस बी, लाइक बी न लेके मैं सी ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ सी आना चाहिए, ओके। अल्फा टाइम्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स बाहर आ जाएगी, ओके। यहां पर क्या होगा मेरे पास, ए प्लस सी डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर, ओके। तो यहां पर देखेंगे ये मेरे पास क्या, मैट्रिक्स
लाइक राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करती है, ए डॉट बी मेरे पास हो जाएगा सी डॉट बी। ओके, इसी तरह यहां पर क्या होगा, टी ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी प्लस सी बी, और बी जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास ए प्लस सी। इसको देखिए चेक करके देख सकते हो आप, ये मेरे पास सेम है, मतलब इसको कॉमन क्या ले रहा हूं, मेरे पास ये इक्वल ही आ गया। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करती है मैट्रिक्स, इसलिए मैं यहां पर ऐसा लिख पा रहा हूं इसको, तो मेरे पास इक्वल हो गया। इसको आप चेक करके देख सकते हो, 2x2 की मैट्रिक्स में आप चेक करके देख सकते हो ये आ जाएगा। इसी तरह बी ए है लेस डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ये फॉलो करेगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। ए ट्रांसपोज बी है इस बार, और बी फिक्स मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास टी ऑफ ए इसको से ए ट्रांसपोज बना, इसी तरह ट्रांसपोज में भी आप देखेंगे वो बना लेगा। आप चेक करेंगे, डेफिनेशन लगाइए 2x2 मैट्रिक्स में, चेक करके देखिए, जब तक आप नहीं चेक करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार बताता हूं आपको, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये भी बनाएगा, इसी तरह ये भी बनाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, टी सच दैट एम एन ओवर आर टू आर ओवर आर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, टी ऑफ ए प्लस बी इसको टू, ये मेरे पास क्या आना चाहिए, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी आना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर टी ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या इनके इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी दो मैट्रिक्स लो, ऐड करो आप, उसका डिटर्मिनेंट निकालो और अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालो, क्या ये सेम आएगा, तो ये सेम नहीं आएगा फ्रेंड, ये सेम नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, 2x2 में कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उनका डिटरमिनेंट निकालो, ये नहीं आएगा फ्रेंड। ओके, तो ये आप देख सकते हो इस चीज का, यहां पर आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है, आप यहां पर एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक मैंने 1100 ले लिया, ए ले लिया, और एक मैंने बी ले लिया -1 -1 0 0। ओके, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। जब मैं ऐड करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर। और जब अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा फ्रेंड, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल से भी डिस्कार्ड कर सकते हो चीज़ों को, एग्जाम्पल से भी लेकर। और कभी भी अगर मैट्रिक्स में आपको एग्जाम्पल लेना हो तो छोटी सी छोटी मैट्रिक्स बनाओ हमेशा, छोटी सी छोटी 1-0 में एंट्रीज रखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरे पास नहीं बनेगा। अच्छा, इसी तरह इसकी बात करते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री तो है, टी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखिए मैं अल्फा टाइम्स नहीं कर रहा हूँ, वो बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स के, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। टी ऑफ ए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ अब, टी ऑफ बी यहाँ पर देखेंगे, ये पर मेरे पास क्या होगा, a11 प्लस b11, ऐड ही तो कर रहे हैं a प्लस b, हो गए। यहाँ पर क्या होगा, a11 और यहाँ पर b11, तो प्लस दोनों होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, ये मेरे पास क्या है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। इसको आप चेक कर सकते हो, टी ऑफ ए, देखिए एक ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, चेक कर सकते हैं आप इसको, इसको होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो यहाँ पर भी वही होगा, बस यही चीज़ फॉलो करेगा, यहाँ पर भी वही फॉलो करेगा। या मैं बोल दूँ ट्रेस ऑफ अल्फा टाइम्स ए प्लस बी, अल्फा बाहर आ जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी ये भी होगा, ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इजी हैं, सारे इजी हैं, बस ये बता रहा हूँ कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन आप, पी एन ओवर आर टू आर ओवर एक्स में है, पी एन ओवर आर टू आर ओवर एक्स में है मेरे पास ये क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए पॉलिनोमियल के हैं क्वेश्चन, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इसको, इसको मैंने पहले ही दिखाया था, या आप इसको चेक करके देख सकते हो। चेक कैसे करेंगे इसको हम लोग, इसको आप देखो यहाँ पर मैं, हाँ इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे फ्रेंड, यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, टी ऑफ अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, टी ऑफ अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 to x, 0 to t ले लूं अगर मैं, यहां पर कुछ भी ले लूं, यहां पर 0 to t, एक इसको मैं लिख दूंगा अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई डी एक्स। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे इसी तरह, और ये फॉलो करेगा इसी तरह, इसको जब आप ये चीज़ करेंगे अलग अलग करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा फ्रेंड, तो ये पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। इस टाइप को मैं क्वेश्चन एक बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड। ओके, ये बनाएगा। अच्छा, अगर मैं पी डैश एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इसको पी डैश एक्स, देखिए आपको क्या करना है, सीधा डेफिनेशन लगाना है, क्या करना है, डेफिनेशन लगाना है, टी ऑफ
p of x, देखिए p of x मैं यहाँ पर एक h of x ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट h of x ले रहा हूँ, पॉलीनोमियल से बिलोंग कर रहा है, और ये क्या आना चाहिए मेरे पास, अल्फा टाइम्स t of p of x प्लस t of h of x, ये आना चाहिए मेरे पास। अच्छा इसको लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, अल्फा p of x प्लस h of x का डेरिवेटिव। ओके ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स p डैश x प्लस h डैश x, और यहां पर भी इसी तरह देखेंगे क्या आएगा, अल्फा p of x मेरे पास क्या आएगा, p डैश x प्लस t of h of x क्या आएगा, h डैश x आ जाएगा। तो सिंपल ये क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों। तो यहां पर डेफिनेशन लगा दी हमने, तो ये मेरे, तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं यहां पर कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा यहां पर। तो आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा। ओके तो यहां पर क्या आएगा, ये मेरा एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा। ओके तो यहां पर जब आप डेफिनेशन लगाओगे यहां पर, टी ऑफ अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू p of x, लाइक मेरे पास आ जाएगा अल्फा p of x प्लस h of x। तो ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये अल्फा बाहर आ जाएगा p of x प्लस x स्क्वायर h of x। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर p of x, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा t of p of x, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर h of x है t of h of x। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है वहां पर, चलिए ठीक है आपका मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। आपने बोला है टी ऑफ एक्स इसको से एक्स क्यूब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो एक्स क्यूब होगा ही नहीं यार। देखो यहां पर क्या हो रहा है, टी ऑफ एक्स इसको से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए टी ऑफ एक्स वन लेता हूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वन हो रहा है, समझो। टी ऑफ एक्स टू लेता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू हो रहा है, दिक्कत कहां हो रही है। ऐड करेंगे जब इसको t of x1 plus x2 इसको से मेरे पास क्या हो रहा है, x square, ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x1 plus x2 हो रहा है, और इसी तरह ये भी तो वही चीज तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा फ्रेंड। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये नहीं बनाएगा, आप चेक करके देख सकते हो, p of x1 का होल स्क्वायर p of x2 का होल स्क्वायर नहीं बनाएगा। इसी तरह इसको देख सकते हो, ये भी नहीं बनाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो p of x इसको आप x ले लो, ये मेरे पास आ जाएगा t of x इसको x प्लस वन, टी ऑफ यहाँ पर जीरो वैक्टर नहीं सेटिस्फाई करेगा, जीरो वैक्टर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह ये भी नहीं बनाएगा, आप चेक कर सकते हो, ईजिली चेक कर सकते हो, या इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके ये भी नहीं बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फ्रेंड, टी ऑफ एक्सन इसको से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन, अगर मैं दो एलिमेंट लाइक दो सीक्वेंस लेता हूँ टी ऑफ एक्सन प्लस वाई एन लाइक अल्फा टाइम्स, तो मेरे पास क्या होगा, अल्फा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा टाइम्स एक्सन प्लस वाई एन, और आप देख सकते हो अगर लिमिट लगी हुई तो मेरे पास होगा अल्फा टाइम्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा फ्रेंड। तो ये आप देख सकते हो इजीली, यहां पर मैंने बताया बस। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, T such that P2 over R to P6 over R. ओके यहां पर आप इसी तरह चेक कर सकते हो, P of P, T of P of X इसको से P of X cube, P of X को X ले लो, ये मेरे पास हो जाएगा इस बार ये मेरे पास हो जाएगा। P of X को अगर मैं यहां पर X ले लूं तो T of X इसको से मेरे पास X cube हो जाएगा, जो कि नहीं बनाने वाला है। टी ऑफ एक्स वन इसको से एक्स वन क्यूब, टी ऑफ एक्स टू इसको से एक्स टू क्यूब, ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा। इसी तरह इसको चेक करेंगे, ये नहीं बनेगा, इसको चेक कर सकते हो आप, ये मेरे पास नहीं बनने वाला है फ्रेंड। और लास्ट वाला भी देख सकते हो, पी ऑफ एक्स वन है का होल क्यूब, जब इनको आप डेफिनेशन लगाओगे तो ये नहीं बनेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन बताए आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए जिनसे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके, और सब में आपको डेफिनेशन लगानी है, डेफिनेशन लगानी है, डेफिनेशन लगानी है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर अपनी सोच डेवलप करनी है कि इसमें p of x क्या ले लूँ मैं, ऐसा p of x क्या ले लूँ, या मैं फिर r2 की बात, या जीरो जीरो। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जीरो जीरो वैक्टर उसमें सेटिस्फाई करो, जीरो कोई भी आपको नया मिलता है पहले जीरो जीरो रखो, क्या जीरो आ रहा है, क्या जीरो वैक्टर आ रहा है, अगर जीरो वैक्टर आ रहा है तो आगे बढ़ो, फिर डेफिनेशन लगाओ उसमें। तो क्या मैंने बताया, दो चीज़ें पॉइंट की मैंने, डेफिनेशन मेन है और जीरो वैक्टर, जीरो वेक्टर चेक करना सीखो आप। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के तरीके बताए, मतलब क्वेश्चंस बताए आपको, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में आइडेंटिटी थ्योरम के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।